हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं सार क्वेश्चन। अगर आप भी इस तरह के स्टूडेंट का फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो काइन मास्टर की सहायता से आप बना सकते हैं। चलती है, शुरू करते हैं। सबसे पहले काइन मास्टर ओपन करते हैं और 9x16 का रेशियो लेते हैं। उसके बाद हमें अपने मीडिया से एक इमेज को सेलेक्ट करते हैं, जिस फोटो का स्टेटस बनाना है, और कैंची वाले बॉक्स के सामने जो है, कैंची साइड में, उस पर क्लिक करना है। और इस बॉक्स पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह का एडजस्ट करना है। ऐसे हमें 4-5 फोटो को डुप्लीकेट बना लेना है, जितनी स्टेटस बनाना है। जो भी मटेरियल लगने वाला है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, इफेक्ट एक डाउनलोड करना है जिसका नाम शेक इट है। तो चलिए गिट मूवी पर क्लिक करते हैं और नीचे वाले एक्शन वाले पर क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं शेक इट कहाँ है, इस पर क्लिक करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस इफेक्ट को यूज करते हैं, सेट करते हैं अपने फोटो पर। एक एक करके सेलेक्ट कर ले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले। हाँ, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब फोटो पर क्लिक करते हैं और क्लिप ग्राफिक पर क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, गेट मोड पर जाते हैं। इसके लिए एक ग्राफिक ही डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मेमोरी लेन। हम लोग जाते हैं मॉडर्न सिंपल, क्लिक पर क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं मेमोरी लेन कहाँ है। मिलन यहाँ पे है तो इसे क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है तो बताने वाले यूज कैसे करते हैं। आते हैं बैक करके वहाँ पर इस मिलन में क्लिक करते हैं और फोटो को अपने एक एक करके अपने एक फोटो पर एडजस्ट कर लेते हैं। आप भी ऐसे कर लें। मेडिकल ऑप्शन जाकर बॉर्डर पीएनजी ले देते हैं, जिससे बॉर्डर साइड को जो अच्छा दिखे, अच्छा लगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैची वाले बॉक्स पर जाकर उसे फुल स्क्रीन में क्लिक करें के लिए। एक इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, डाउनलोड कर सकते हैं। इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं और फुल स्क्रीन में क्लिक करते हैं। हमें क्या करना है, नीचे जाना, स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाना है, स्क्रीन पर क्लिक करना है। और थोड़ा सा परसेंटेज कम कर देना है जिससे फोटो अच्छा लगे। देखो कुछ इस तरह का स्टेटस भी बन गया है। अब हम कोई भी गाना चूज कर लेते हैं अपने मीडिया फाइल से।
आप देख सकते हैं इस तरह वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। आप भी बनाना चाहते थे इस तरह का वीडियो, किसी चीज है आप बना सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक बटन दबा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।